हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कुकिंग रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रेस्टोरेंट जैसा चिकन बनाकर दिखाऊंगी। पहले पैन को हीट कर ले, उसके बाद तेल डालें। मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और मेरे पास बारीक कटी हुई हैं। मैं तेज पत्ता डालूँगी पहले, उसके बाद अदरक कटी हुई डालूँगी, बारीक कटा हुआ। मेरे पास लहसुन है, हरी मिर्च डालूँगी, ये भी बारीक कटा हुआ है। फिर मैं प्याज डालूंगी बारीक कटे हुए। इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन ना होती है तब तक प्याज का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइप से बनाने का। प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन होगी तभी अच्छी लगेगी। देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मेरे पास चिकन है, मैं चिकन डालूँगी। तो उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी, पूरा इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। आप देख सकते हैं चिकन कितने प्यारे लग रहे हैं। इसे मैं अच्छी तरह से एकदम पूरा चलाऊंगी। उसके बाद मैं इसे एक ढक्कन से झांक दूंगी। देख सकते मैं इसे झाँक दी हूँ और इसके बाद फिर से इसे चलाएं, इसी तरह चलाते रहें। उसके बाद मेरे पास मसाले हैं पीसे हुए कुछ, इसमें मैं प्याज लहसुन आदि मिर्चा सब पीस ली हूँ, पहले से मैं पीस के रख ली थी। उसके बाद आप नमक डालें अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद हल्दी डालें, ये लाल मिर्च का पाउडर है कुटी हुई है मेरे पास, मैं इसे डाल दी। गोल की जीरा पाउडर है, ये भी मैं पीसी हूँ घर पर ही। और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। ये सब मसाले डालने के बाद चिकन के बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है और मैं इसे झाग दूंगी। फिर से मैं इसे चलाऊंगी, कम से कम मसाले को 20 मिनट तक भूंजे तभी चिकन में स्वाद आ सकती है। जब तक मसाले मेरे अच्छी तरह से भून जाती है, जब तक मसाले में तेल ना छोड़े तब तक इसे भूनते रहें अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं मेरे कढ़ाई के किनारे किनारे तेल छोड़ रहे। अब मैं इसे मैं पानी डालूंगी और इसे थोड़ा सा बॉयल होने दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से सीज जाए। मैं इसे डालकर अब मैं इसे झाँक दूंगी। झाँकने के बाद मैं इसे फिर चलाऊंगी। उसके बाद मैं मेरे पास कुछ गर्म मसाले पीसे हुए हैं, मैं इसे डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। मेरे पास कसूरी मेथी है, मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। उसके बाद मेरे पास एवरेस्ट का चिकन मसाला है, मैं इसे भी डालूंगी। इससे भी बहुत अच्छी स्मेल आती है और टेस्ट बढ़ जाती है इसे डालने के बाद। अच्छी तरह से मिला लें। गरम मसाला डालने के बाद 15 मिनट कम से कम इसे डबकने दें ताकि इसका स्मेल पूरे अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डालूंगी और मैं इसे मिलाऊंगी। और अब मेरे चिकन बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे चिकन कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।